इस चैप्टर के फॉर्मूले तो रटने ही पड़ेंगे। अजी ऐसे कैसे, कमाल करते हो पांडे जी। ना मुन्ना ना, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं कराऊंगा आपको सारे के सारी डेरिवेशन, क्योंकि मैं आपको हर एक चैप्टर में कराने वाला हूँ सारे के सारे कॉन्सेप्ट, सारे के सारे एग्जाम्पल्स, सारी की सारी थ्योरम और सारी की सारी एक्सरसाइज के सारे पार्ट्स। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो मैं आपको ऐसा पढ़ाऊंगा कि आप दूसरों को पढ़ा कराओगे, और हर एक फॉर्मूले को याद करने की एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट से, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज एवरीथिंग। हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ राजीव एंड यू आर लर्निंग ऑन एम्स अकेडमी। तो अब हम करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, एंड दैट इज़ चैप्टर नंबर 7, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में आप ऑलरेडी काफ़ी कुछ जानते हैं, जैसा कि आपने 9th क्लास में भी पढ़ा था। तो क्या है ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? पहले इसके चैप्टर के नाम से हम कुछ मतलब निकालते हैं। देखिए, आपने सुना होगा कोऑर्डिनेट बनाकर रखना चाहिए, है ना, कोऑर्डिनेशन एक दूसरे के साथ रखना चाहिए, इसका मतलब साथ बनाकर रखना चाहिए। और ज्योमेट्री का क्या मतलब है? हम जो भी एक प्लेन जो ग्राफ होता है उसके ऊपर जो हम प्लॉटिंग वगैरह करते हैं, आप उस तरीके से समझ सकते हो कि वो क्या होता है, हमारा ज्योमेट्री, या फिर जो भी प्लेन पर हमारे कोऑर्डिनेट्स आएंगे। ठीक है, अच्छा, तो देखिए सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ये जो एक लाइन होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को कहा जाता है क्या? एक्स एक्सिस। ठीक है भाई, एक्स एक्सिस। अब बीच में इसके होता है ओरिजिन, तो अगर आप इसके राइट हैंड साइड में जाएंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, और अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे तो -1, -2, -3, -4, -5, -6। ठीक है, तो इसीलिए इस जीरो से राइट हैंड साइड वाली एक्सिस को कहा जाता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और जब आप लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे तो इसको एक्स डैश से डिनोट किया जाएगा, और इसका क्या मतलब है? नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, अब देखिए इधर नेक्स्ट एक होती है आपकी वर्टिकल लाइन। ठीक है, वर्टिकल लाइन का मतलब खड़ी हुई लाइन, हॉरिजॉन्टल का मतलब लेटी हुई लाइन। ठीक है, तो इस लाइन को बोलते हैं हम वाई एक्सिस। ठीक है, और यहाँ पर भी वही, बीच में क्या होता है? जीरो। अच्छा, इसको हम वाई से डिनोट करते हैं और इसको वाई डैश से। ठीक है, नॉर्मली हम इसको पूरा वाई एक्सिस नहीं लिखते, सिर्फ वाई लिखते हैं, और यहाँ पे सिर्फ एक्स लिखा जाता है। ठीक है, अब देखो इधर, जब आप ऊपर जाएंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और जब आप नीचे आएंगे तो -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। ठीक है, तो इसी तरीके से जब आप ऊपर देखेंगे तो सारी की सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, इसीलिए हम इसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोलते हैं, और यहाँ पर सारी की सारी वैल्यूज़ नेगेटिव हैं, इसीलिए हम इसको नेगेटिव वाई एक्सिस भी कहते हैं। ठीक है, अब ये जो बीच में है इसको बोला जाता है क्या? ओरिजिन। क्या बोला जाता है? ओरिजिन। क्लियर हो गई बात? अब देखिए इधर, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये बोल दूं कि एक्स की वैल्यू क्या है? 2। तो ये जो एक्स की वैल्यू होती है इसको हम क्या बोलते हैं? एब्सिसा। क्या बोलते हैं? एब्सिसा। जैसे कि मैं बोल दूं एब्सिसा इज 3, इसका मतलब एक्स की वैल्यू 3। ठीक है, और ये जो वाई की वैल्यू होती है, मान लीजिए वाई की वैल्यू मैंने ले ली -3। ठीक है, -3, तो ये जो वाई की वैल्यू होती है इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। ठीक है, जैसे मैं बोल दूं ऑर्डिनेट इज -3, इसका मतलब क्या है कि वाई की वैल्यू -3। इज दैट क्लियर? अब एक आता है आपका क्या? कोऑर्डिनेट। जब आप एक्स और वाई दोनों की वैल्यूज को साथ में लिखते हो तब आप उसको क्या बोलते हो? कोऑर्डिनेट। ठीक है, याद रखना, पहले लिखी जाती है एक्स की वैल्यू और बाद में लिखी जाती है वाई की वैल्यू। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं लिख दूं 2, 3,
तो इसका ये मतलब है x की वैल्यू यहाँ पर 2 है और y की वैल्यू 3 है। या फिर मैं ये बोल दूँ कि एब्सिसा इज 2 वेयर एज ऑर्डिनेट इज 3। जैसे कि आपको वो ये कोऑर्डिनेट दे देंगे और वो आपसे बोलेंगे व्हाट इज एब्सिसा एंड व्हाट इज ऑर्डिनेट, तो जो पहले लिखा हुआ है वो एब्सिसा, जो बाद में लिखा हुआ है वो ऑर्डिनेट। इज दैट क्लियर? अब देखिए इधर ये हो गया। अब एक चीज याद रखना, ये जो x की वैल्यू है, x की जो वैल्यू है वो आपको क्या बताएगा, y एक्सिस से उस पॉइंट की डिस्टेंस। ठीक है, तो y गिव्स यू या गिव्स द डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। आप क्लियरली देख भी सकते हैं ये y एक्सिस है, y एक्सिस से कितनी दूर पर है ये। ठीक है, तो ये क्या है, वैल्यूज हैं x की, बट आपको बताती क्या है, y x से डिस्टेंस। ठीक है, इसी तरीके से जो y की वैल्यू होती है वो आपको क्या देता है, y गिव्स यू दी डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। कैसे, देखिए ये है आपकी x एक्सिस और मान लीजिए y की वैल्यू दी हुई है 6, तो ये आपको क्या दे रहा, y एक्सिस से डिस्टेंस। ठीक है, तो ये इसका मतलब होता है। ये सारी की सारी बेसिक बातें थी और आई होप कि आपको ये सारी की सारी बातें पहले से भी पता होंगी, बट एक बार रिवाइज करना ज़रूरी था। तो ये नोट कीजिए और बढ़ते हैं अपने क्लास 10th के कॉन्सेप्ट की तरफ, एंड दैट इज़ डिस्टेंस फॉर्मूला। नोट इट डाउन। अब मान लीजिए आपको कोई भी दो कोऑर्डिनेट्स दे दिए जाए और उन दोनों कोऑर्डिनेट्स के बीच का डिस्टेंस पूछा जाए, तो उस डिस्टेंस को हम बता सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला। कहने का मतलब, मान लीजिए मैं आपको एक कोई कोऑर्डिनेट दे देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, और एक दूसरा कोऑर्डिनेट दे देता हूँ यहाँ पर। तो मान लीजिए ये है आपका कोऑर्डिनेट x1 y1, ठीक है, और ये है आपका x2 y2। अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मान लीजिए ये है a और ये है b, अब कैसे बताओगे भाई? या फिर मान लीजिए, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल दूँ 2.3 एंड 7.9, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, तो अब आप ग्राफ में प्लॉट करोगे, ये डिस्टेंस बतानी है अब आपको। तो अब क्या आप स्केल से जाकर मेज़र करोगे? नहीं, डिपेंड करेगा ये सेंटीमीटर में है, मीटर में या किलोमीटर में। अब किलोमीटर को तो आप स्केल से मेज़र कर नहीं सकते ना, तो उसके लिए तो हम लगाएंगे यूनिट, बट इसकी आप कैसे निकालोगे? तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, पहले आप इसको यहाँ पर लेकर आइए, इसको ज्वाइन कराइए यहाँ से और इसको ज्वाइन कराइए यहाँ से, ठीक है। और अगर आपस में आप इसको ज्वाइन कर दें तो आप देखेंगे कि यहाँ पर बन रहा है एक राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूँ इसकी मुझे वैल्यू बता दीजिए, इसका कोऑर्डिनेट बताइए, तो ये एक्चुअली आपको क्या बता रहा है, x की वैल्यू। भाई कोऑर्डिनेट हमेशा एक्स कॉमा वाई की फॉर्म में लिखा जाता है ना, तो यहाँ पर कुछ x की वैल्यू होगी, कुछ y की वैल्यू होगी। तो देखिए ज़रा यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, देखिए x की वैल्यू यहाँ पर क्या है, x2, और y की वैल्यू यहाँ पर क्या है, y की वैल्यू, देखिए y की वैल्यू यहाँ पर दी हुई आपको y1, तो इसका जो कोऑर्डिनेट है वो एक्चुअली क्या होगा, x2 y1। इज दैट क्लियर? अब देखिए अगर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो यहाँ पे लग सकती है पाइथागोरस थ्योरम, तो बस वही पाइथागोरस थ्योरम का हम यूज़ करने वाले हैं। भाई पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। थोड़ा सा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप समझ जाया करो, बहुत बार कर चुके हैं, ठीक है। तो देखिए हाइपोटेन्यूस यहाँ पे क्या नज़र आ रही है आपको, ए बी, मतलब के ए बी का स्क्वायर। परपेंडिकुलर आपको क्या नज़र आ रहा है, मान लीजिए ये सी है, बी सी, तो बी सी का स्क्वायर, एंड बेस इज वॉट, ए सी, तो ए सी का स्क्वायर, ठीक है। अब एक बात बताइए आप मुझे, ये जो बी सी है, बी सी ये हाइट है, हाइट कैसे मिलेगी, अगर मैं टोटल हाइट में से ये नीचे वाली हाइट माइनस कर दूं ये, तो ये बचेगी, है ना। तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पर हाइट है y2 और यहाँ पर हाइट है y1,
तो अगर मैं वाई टू में से वाई वन माइनस कर दूं तो मेरा काम बन जाएगा। तो बस वही हमें करना है, वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, ठीक है। और बेस कितना है यहाँ पर, ए सी। अब अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी होगी तो देखो टोटल एक्स की वैल्यू में से पहले वाले एक्स की वैल्यू माइनस करनी पड़ेगी, तब मेरे पास ये वाली वैल्यू आएगी। तो इसका क्या मतलब है भाई, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर, ठीक है। तो एक्चुअली क्या ये पाइथागोरस थ्योरम से ही हम कर रहे हैं सब कुछ, ठीक है। अब देखो इधर, अब आप चाहो तो इसकी वैल्यू इधर लिखो या इधर लिखो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों? क्योंकि बीच में क्या है, प्लस। तो मैं इसको x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। अब देखिए यहाँ पर है स्क्वायर, मुझे ab के स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे तो ab की वैल्यू चाहिए। तो ab की वैल्यू निकालने के लिए आप उधर भेज देंगे स्क्वायर रूट, और ये आपका बन चुका है फॉर्मूला, ठीक है। यही है आपका फॉर्मूला, और इस फॉर्मूले का नाम क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। तो यहां पर एक्चुअली क्या आएगा, डिस्टेंस, ठीक है। ये किसी भी दो कोऑर्डिनेट के बीच का क्या बताता है आपको, डिस्टेंस। इसीलिए इस फॉर्मूले का क्या नाम है, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो ये एक्चुअली क्या है, पाइथागोरस थ्योरम है, जिसमें हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर रूट लगा दिया गया है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स की टर्म्स में, इसलिए इनको ऐसे लिखा गया है। याद करने का तरीका बहुत इजी है भाई, a माइनस बी के फॉर्मूले की तरह याद रखिए। बस याद रखना पहले x2 माइनस x1 और यहाँ पर y2 माइनस y1 का फॉर्मूला लगना है। आई होप कि बहुत ईजीली बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये नोट कीजिए, इसी क्वेश्चन के ऊपर हम करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स, नोट इट डाउन। तो आइए देखते हैं किस तरीके से इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे जब आपको टू कोऑर्डिनेट्स दिए हुए होंगे। तो मान लीजिए आपको ये दोनों कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, तो भाई जो पहली वैल्यू है ये होगा x1 y1, ठीक है, और ये क्या होगा आपका x2 y2, इज दैट क्लियर। तो आप चाहो तो इनको ऐसे भी लिख सकते हो, x1 इज इक्वल टू 2, y1 इज इक्वल टू 4, x2 इज इक्वल टू 3, y2 is equals to minus 2। चाहो तो ऐसे लिखो या ऐसे लिखकर छोड़ दोगे, उससे कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इन दोनों के बीच का हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस। तो पहले तो आप लिखोगे फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है भाई, x2 minus x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 का होल स्क्वायर। तो अब कुछ नहीं, वैल्यूज पुट करनी है भाई। x2 की वैल्यू कितनी है, 3, तो 3, फिर माइनस x1 की वैल्यू कितनी है, 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है यहाँ पर, माइनस 2, तो माइनस 2 पुट कर दिया, फिर माइनस y1 की वैल्यू कितनी है, 4, तो 4 का स्क्वायर। अब देखिए इधर, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस 6 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 1 और यहाँ पर आ गया 36। अब देखिए 37 आ रहा है, और 37 का स्क्वायर रूट हमें याद नहीं है। तो अगर आपको आता है तो ठीक है, और अगर नहीं आता है तो आप उसको अंडर रूट में ही छोड़ देंगे, दैट इज अंडर रूट 17, ठीक है। अब आगे आप यूनिट भी लिख देंगे, अगर सेंटीमीटर वगैरह कुछ दिया हुआ है तो सेंटीमीटर मीटर वगैरह भी लगाएंगे, और अगर नहीं दिया हुआ तो ऐसे ही इसको छोड़ देंगे, ठीक है। कुछ बातें और देख लेते हैं। मान लीजिए आपको पहला पॉइंट दिया हुआ है ओरिजिन पे। अच्छा, आई होप कि आपको ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स पता ही होंगे, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए वो आपसे ये कह दे, फाइंड द पॉइंट, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेट दिस। मान लीजिए आपको ऐसे दे दिया, एक पॉइंट ये दे दिया, दूसरा दे दिया आपको एक्स एंड वाई, ठीक है। तो देखिए अब इन दोनों के बीच की आपको डिस्टेंस बतानी है। तो ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपको का x1 y1 और ये हो गया आपका x2 y2, ठीक है। तो इस केस में आप क्या करेंगे, देखिए इधर जरा, अभी भी आप यही फॉर्मूला लगाएंगे, और इस केस में x2 की वैल्यू कितनी है भाई, 0, ठीक है। माइनस एक्स वन की वैल्यू कितनी है,
एक्स प्लस वाई टू की वैल्यू कितनी है भाई, जीरो, माइनस वाई वन की वैल्यू कितनी है, वाई स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। अब देखिए इधर, ये जीरो से तो कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं, तो माइनस एक्स का जब आप स्क्वायर करेंगे तो प्लस एक्स, और यहाँ पर माइनस वाई का जब आप स्क्वायर करेंगे तो वाई स्क्वायर। आप चाहें तो इसको एक्स वन वाई वन और इसको एक्स टू वाई टू ले सकते हैं। तो इसका ये मतलब है कि अगर आपको डिस्टेंस ओरिजिन से पूछा हुआ है तो आप डायरेक्टली एक्स और वाई का फॉर्मूला लगाकर भी आंसर निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए वो आपसे ये कह दें फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ माइनस थ्री कॉमा माइनस टू, इस तरीके से। तो अब आपको डिस्टेंस लगाने के लिए इतना बड़ा फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली डिस्टेंस ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो भाई एक्स की वैल्यू कितनी है, माइनस थ्री का स्क्वायर, वाई की वैल्यू कितनी है, माइनस टू का स्क्वायर। तो अगर आप करेंगे तो यहाँ पर नाइन और यहाँ पर फोर्टीन, मतलब के आंसर आने वाला है अंडर रूट में थर्टीन। ठीक है, तो ये भी फॉर्मूला आप मार्क कर लीजिए, आप चाहें तो डायरेक्टली ये भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर ना चाहें तो फिर आपके पास यही एक ही फॉर्मूला हर जगह काम कर जाएगा। ये नोट कीजिए। अब हम देखेंगे अपने एग्जांपल्स जो आपके इंट्रोडक्शन की एक्सरसाइज से, एक्सरसाइज 7.1 से पहले दिए हुए, नोट इट डाउन। तो आइए देखते हैं अपना एग्जांपल नंबर वन, रीड कीजिए आप। डू दी पॉइंट्स दिस 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 एंड दिस फॉर्म आ ट्राइंगल, इफ सो नेम द टाइप ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड। देखिए सबसे पहले आपको ये चेक करने के लिए वेदर ट्राइंगल विल फॉर्म और नॉट, आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए जो आपको जूनियर क्लासेस में पढ़ाया गया है। क्या पढ़ाया गया है कि सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन दी थर्ड वन, मतलब कि जब आप ए बी प्लस ए सी करेंगे तो इसकी वैल्यू बी सी से बड़ी आनी चाहिए। भाई इसको और इसको ऐड करोगे तो इससे बड़ी होनी चाहिए। इसी तरीके से ए बी प्लस बी सी की वैल्यू ए सी से बड़ी होनी चाहिए। इसी तरीके से ए सी प्लस बी सी की वैल्यू आपकी ए बी से बड़ी, बड़ी होनी चाहिए। अगर बड़ी है तब ट्राइंगल फॉर्म होगा, अदरवाइज ट्राइंगल फॉर्म नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए आपको सिंपली क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है। तो मैंने शॉर्ट फॉर्म में डायरेक्टली अप्लाई कर दिया है, डिस्टेंस आपका ये है, ए बी की डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, तो पहले ए बी की बात करते हैं। ये एक्स टू, ये एक्स वन, ये वाई टू, ये वाई वन। ठीक है, फॉर्मूला क्या है भाई, एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स टू माइनस एक्स वन। देखो ये माइनस का है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, वाई टू माइनस वाई वन, तो वाई टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब इसको ज़रा सॉल्व करो, देखो ये है फाइव और फाइव का स्क्वायर कितना होता है, ट्वेंटी फाइव। ये भी कितना है, फाइव, और इसका भी कितना हो जाएगा, ट्वेंटी फाइव। ठीक है, इसकी वैल्यू आएगी अंडर रूट 15, जिसकी वैल्यू होती है 7.07 के आसपास। ठीक है, आपकी बुक में भी सॉल्व करके दिया हुआ है, डायरेक्टली देख सकते हो वहाँ से। और अब हम निकालेंगे ए सी की वैल्यू। भाई ए सी की वैल्यू एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन। ठीक है, तो एक्स टू फॉर्मूला यही लगा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो एक्स टू, एक्स टू की वैल्यू कितनी है, टू माइनस एक्स वन की वैल्यू थ्री का होल स्क्वायर, प्लस वाई टू माइनस वाई वन, वाई टू एक्स टू की वैल्यू है आपकी थ्री एंड टू, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आने वाला है वन का स्क्वायर, मतलब कि वन, यहाँ पर आने वाला है माइनस वन, उसका भी आंसर कितने आने वाला है, वन, विच इज रूट टू। ठीक है, और रूट टू की वैल्यू आपको बहुत अच्छे से पता ही है, 1.41, कई सारे क्वेश्चंस में भी हमने यूज़ की हुई है। ठीक है, टेंथ क्लास में। तो और इसके बाद बी सी, बी सी की वैल्यू क्या है भाई, अब देखो बी सी की एक्स टू माइनस एक्स वन प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। तो एक्स टू की वैल्यू टू, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस एक्स टू माइनस एक्स वन। ठीक है, क्योंकि एक तो फॉर्मूले का माइनस है, दूसरी वैल्यू भी माइनस की है, तो इसलिए प्लस में आ जाएगा। फिर y2 माइनस y1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब देखो यहाँ पर 4, 4 का स्क्वायर कितना, 16, यहाँ पर 3, 2 जा 6, या फिर 3, 3 प्लस 6 का 36,
मतलब कि यहाँ पर आ जाएगा 52, ठीक है, जिसकी वैल्यू होती है 7.14, मैं चेक भी कर लेता हूँ, 7.21, सॉरी एग्जाम्पल देख के मैं करा दे रहा हूँ क्योंकि टाइम वेस्ट होगा इसकी वैल्यू निकालने में, ठीक है। और अगर नहीं आती तो मैं इसकी वीडियो आपके लिए अपलोड कर दूंगा जिसमें आप जो इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट्स हैं उनकी वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। तो अब अगर आप देखें तो पहले इसके अकॉर्डिंग देखते हैं, इसके अकॉर्डिंग भाई ए बी प्लस ए सी की वैल्यू जो है वो बी सी से बड़ी होनी चाहिए। तो ए बी की वैल्यू कितनी आई है 7.707 और ए सी की वैल्यू कितनी है, ए सी 1.41। तो इनको ज़रा आप ऐड कीजिए, यू विल गेट 8, यू विल गेट 4 एंड 8। तो ऑब्वियसली बी सी से इसकी वैल्यू क्या है, बड़ी है, ठीक है। अब दूसरा केस देखते हैं भाई, ए बी प्लस बी सी शुड बी ग्रेटर देन ए सी, ठीक है। तो ए बी की वैल्यू क्या है, ए बी की वैल्यू आपके पास है 7.07 प्लस बी सी की वैल्यू कितनी है 7.21 विच इज़ ग्रेटर देन 1.41, क्योंकि ए सी की वैल्यू कितनी है 1.41। इनको ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली क्लियरली बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू है, तो यहाँ तो 8, 2 एंड 14, ठीक है। लाइकवाइज आप थर्ड देखेंगे तो थर्ड भी इससे बड़ी है, क्योंकि तीनों की तीनों बेटा साइडें क्या है, डिफरेंट है, हैंस इट इज अ स्केलन ट्राइंगल, ठीक है, स्केलन ट्राइंगल है। अच्छा ये और कर लेना आप, ठीक है, बहुत इजी सा है। तो ये था आपका एग्जांपल वन, बेसिकली मैं आपको अप्लाई करना सिखा रहा था डिस्टेंस फॉर्मूला, ये हमारा मोटिव अभी नहीं है, ठीक है। तो ये नोट कीजिए, अब हम देखते हैं अपना एग्जाम्पल नंबर 2, नोट इट डाउन। तो आइए देखते हैं अपना एग्जाम्पल नंबर 2, रीड कीजिए एक बार। शो दैट द पॉइंट्स 1.7, 4.2, -1, -1 एंड -4.4 आर दी वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर, ठीक है। तो मैंने आपके लिए ऑलरेडी बनाया हुआ है एक रफ डायग्राम, तो हमें बेसिकली अप्लाई करना है ये डिस्टेंस फॉर्मूला। देखो मैंने ऑलरेडी जानकर एक बार फॉर्मूला लिख दिया ताकि मुझे बार बार ना लिखना पड़े, बट जब आप क्वेश्चंस करोगे तो उसको बार बार लिखो, बार बार लिखने से आपको फॉर्मूला ऐसे ही याद हो जाता है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले मैं निकालूंगा डिस्टेंस किसकी, ए बी की। भाई देखो ये x2, ये x1, ये y2 और ये y1, सिंपल सा फॉर्मूला है, डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हो, चाहो तो लिख भी देना, लिखो बहुत लंबा हो जाएगा, डायरेक्टली कर दो, ठीक है। तो देखो x2 -x1 का होल स्क्वायर, भाई x2 -x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 का होल स्क्वायर। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 3 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो -5 का स्क्वायर। तो देखो 3 का स्क्वायर 9 एंड 5 का स्क्वायर 25 विच इज इक्वल्स टू अंडर रूट में 34, ठीक है। अब आ जाइए BC में भी बिल्कुल वही करना है। देखो BC में यहाँ पर तो मान लीजिए ये है आपका x1 या फिर x1 y1 मान लो, जैसा आपको ठीक लगे। तो देखो x2 -x1 एंड y2 -y1, सिंपल सा फॉर्मूला लगाना। तो x2 की वैल्यू 4, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो x2 -x1, माइनस की जगह पर यहाँ पर प्लस क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ पर माइनस का था नंबर, तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है। आगे y2 -y1 -1 है इसलिए प्लस 1 हो गया। तो देखो यहाँ पे कितना आ रहा है 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, यहाँ पर कितना आ रहा है 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, मतलब कि यहाँ पर भी कितना आने वाला है अंडर रूट में 13, ठीक है। और इसके बाद में आएगा CD की वैल्यू कितनी होती है, भाई CD में भी आप किसी को भी मान लो जिसका आपको मन करे, मान लो इसको मान लिया x2 -x1 y2 -y1, तो x2 की वैल्यू ये रही, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो x2 -x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए आप इसको सॉल्व करोगे तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, इसको सॉल्व करोगे तो -5 और -5 का स्क्वायर कितना होता है 25 प्लस 9 इज इक्वल्स टू 34, ठीक है। अब हमारा क्या रहता है AD, तो AD में भी फॉर्मूला वही लगने वाला है,
एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर, वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। तो एक्स टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। देखो एक्स टू माइनस, क्योंकि माइनस है तो माइनस माइनस, प्लस एक्स वन का होल स्क्वायर, फिर वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। तो देखो इसको सॉल्व करोगे 5 का स्क्वायर, और इसको सॉल्व करोगे तो 3 का स्क्वायर। अभी भी 25 प्लस 9, मतलब कि अभी भी आंसर कितने आने वाला है, 34। ठीक है, तो उन्होंने हमसे क्या पूछा था, स्क्वायर पूछा है, रोम्बस पूछा है, स्क्वायर पूछा है। देखो अगर वो हमसे पूछते रोम्बस, तब तो हम इनकी चारों की चारों साइडें बता देते। अगर फोर साइड्स इक्वल होती तो वो रोम्बस हो जाता। अब फोर साइड्स तो स्क्वायर में भी इक्वल होती हैं, रोम्बस में भी, तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये स्क्वायर ही है। तो इसके लिए आपको निकालने पड़ेंगे इनकी डायगोनल्स की वैल्यू। अगर डायगोनल्स इक्वल आते हैं तो स्क्वायर, अगर डायगोनल्स इक्वल नहीं आते हैं तो रोम्बस। ठीक है, तो अब हम बेसिकली देखने वाले हैं एसी की डिस्टेंस। ठीक है, तो फॉर्मूला अभी भी वही रहने वाला है सेम। तो देखो एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर, तो एक्स टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा, क्योंकि यहां पर माइनस है तो प्लस का हो जाएगा, और फिर वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो इसको सॉल्व करोगे तो 2, और इसको सॉल्व करोगे तो 8। तो यहां पर आ गया 4, यहां पर 64, तो यहां पर आ गया आपका 68। ठीक है, अब आ जाइए आप किस पर, बीडी पर। बीडी, बीडी की डिस्टेंस भी कैसे निकलेगी, यही डिस्टेंस फॉर्मूले से। ठीक है, तो देखो एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर, मतलब कि 4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 4 का होल स्क्वायर, और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 प्लस 4 8 का स्क्वायर, और यहाँ पर सॉल्व करोगे तो माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करो 8 8 जा 64, और इसको सॉल्व करोगे 4 का, मतलब कि यहाँ पर भी कितना आ रहा है, 68। तो अब आप क्लियरली लिख सकते हो, सिंस ऑल दी साइड्स आर इक्वल एज वेल एज डायगोनल्स आर इक्वल, देयरफॉर इट विल फॉर्म अ स्क्वायर। ठीक है, आई होप कि बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं अपना एग्जाम्पल नंबर 3, नोट इट डाउन। आइए देखते हैं अपना एग्जाम्पल नंबर 3, रीड कीजिए। फिगर 7.6 शोज द अरेंजमेंट ऑफ द डेस्क इन अ क्लासरूम। आशिमा, भारती एंड कैमिला आर सीटेड एट 3.1, 6.4 एंड 8.6 रिस्पेक्टिवली। डू यू थिंक दे आर सीटेड इन अ लाइन, गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स। तो देखिए अब वो डायग्राम आपको मैंने आपके लिए पिक्चर शो करी दी है, लेकिन उसको बना पाना यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल था, इसलिए मैंने डायरेक्टली लाइंस ड्रॉ की हुई हैं। तो ये है आशिमा, ये है भारती, और ये है कैमिला या जो भी लिखा हुआ है। तो देखिए इसका कोऑर्डिनेट ये रहा, इसका कोऑर्डिनेट ये रहा, और इसका कोऑर्डिनेट ये रहा। तो वो आपसे ये पूछ रहे हैं क्या ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन का ये मतलब है कि अगर ए बी की डिस्टेंस निकाली जाए और बी सी की डिस्टेंस निकाली जाए, और अगर वो किसके इक्वल आ गई, ए सी के इक्वल आ गई, तो ये एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेगी। ठीक है, और अगर नहीं आता है तो नहीं करेगी। तो बेसिकली हमें निकालना क्या है, पहले ए बी निकालना है। ठीक है, तो ए बी की डिस्टेंस आप ऐसे ही निकालोगे, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर, भाई x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 3 आ रहा है, इसको सॉल्व करोगे तब भी 3 आ रहा है। ठीक है, तो अगर आप इन दोनों को सॉल्व करें तो 9 प्लस 9 मतलब कि 18 आने वाला है। ठीक है, इसी तरीके से मैं निकालने वाला हूं क्या, BC, BC, BC में भी यही सेम फॉर्मूला लगेगा। अब BC की बात करते हैं, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर, मतलब कि 8 माइनस 6 का होल स्क्वायर, फिर वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, मतलब कि 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब देखो इन दोनों को अगर आप सॉल्व करें तो 2 का स्क्वायर, इन दोनों को सॉल्व करें तब भी 2 का स्क्वायर, तो ये 2 का स्क्वायर मतलब कि 4 एंड 4 कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, और फिर आप निकालेंगे किसकी वैल्यू, अब आपको निकालना है AC।
ठीक है, ए सी की वैल्यू निकालनी है तो भाई ए सी निकालने के लिए भी आपको यही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब बीच की वैल्यू भूल जाइए, तो देखिए एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। देखिए हर बार एक्स टू और एक्स वन की वैल्यू चेंज हो जाएगी, जैसे ही कोऑर्डिनेट्स चेंज होंगे आपको एक्स वन और वाई वन और एक्स टू वाई टू को मानना पड़ेगा, ठीक है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ना। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट फाइव का स्क्वायर, इसको सॉल्व करोगे अगेन यू विल गेट फाइव का स्क्वायर, मतलब कि 25 प्लस 25 कितना आने वाला है 50, ठीक है। तो अगर आप सॉल्यूशन में देखें तो देखते हैं इन्होंने रूट की वैल्यू को सॉल्व करके नहीं दिया हुआ है, ऐसे ही दिया हुआ है, ठीक है कोई बात नहीं। तो इसको देखिए, मुझे लगा डेसिमल में सॉल्व करके दिया, तो देखो इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 9 into 2, तो 9 का 3 आ जाएगा बाहर और यहाँ पर रह जाएगा ये। 8 को आप कैसे लिख सकते हो 4 into 2, ठीक है, तो 4 का रूट 2 बाहर आ जाएगा, रूट 2 रह जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। और अगेन 50 को कैसे लिखा जा सकता है भाई, 50 को लिखा जा सकता है 25 into 2, तो 25 का रूट बाहर आ जाएगा 5 स्क्वायर रूट, और यहाँ पे क्या रह जाएगा 2। तो अब हम अप्लाई करके देखते हैं ये वाली कंडीशन कि ए बी प्लस बी सी इज इक्वल्स टू ए सी और नॉट, ठीक है। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ रही है, देखो ए बी, ए बी की वैल्यू आ रही है 3√2 प्लस बी सी की वैल्यू कितनी आ रही है, बी सी, बी सी की वैल्यू आ रही है कितनी 2√2। तो जब आप इसको ऐड कर रहे हो तो देखो किसके इक्वल आ रहा है, ए सी के इक्वल आ रहा है, देखो क्योंकि रूट रूट है तो उनके कोफिशियंट्स ऐड हो जाएंगे, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ रही है 5√2, और 5√2 किसकी वैल्यू है, ए सी की वैल्यू है। तो यस सिंस पॉइंट्स आर कोलिनियर, कोलिनियर एक आता है शायद, ठीक है देख लेना, कोलिनियर हैंस इट विल फॉर्म अ स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन, ठीक है। बस इतनी सी बात थी, एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल भी है साथ के साथ, ठीक है, ये नोट कीजिए और देखते हैं अपना एग्जाम्पल नंबर 4, नोट इट डाउन। आइए करते हैं अपना एग्जाम्पल नंबर 4 जो कि एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल भी है, रीड कीजिए। फाइंड अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट द पॉइंट एक्स कॉमा वाई इज इक्यू डिस्टेंस फ्रॉम 7.1 एंड 3.5, ठीक है। तो अब आपके 2 कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं और एक कोई कोऑर्डिनेट है x, y जो कि क्या है, इक्वल डिस्टेंसेस पर है। इसका मतलब AC की जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है, AC की जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू BC, समझ में आ गई बात। तो इधर भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए और इधर भी, चाहो तो आप एक साथ में कर सकते हो या अलग अलग करना चाहो तो अलग अलग कर सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे वैसा कर लेना, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं दोनों तरफ एक साथ में लगा रहा हूँ और उसका एक रीज़न है जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, इधर भी लगाऊंगा और इधर भी लगाऊंगा। अब पहले आप ए सी पे देखिए, तो देखिए एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। अब आ जाइए बी सी पर, बी सी पर तो एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। देखिए ऐसा करने से होगा क्या, स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कट जाएगा, स्क्वायर रूट कटते ही हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। तो देखो अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो देखो ए माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लग जाएगी, तो ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, टू और सेवन को जब आप मल्टीप्लाई करो तो 14 आ जाएगा, प्लस इसमें भी वही करना है, तो ए का स्क्वायर बी का टू ए बी एंड बी का स्क्वायर, देखो वन का स्क्वायर तो वन ही आना है, ठीक है, यहाँ पर भी कीजिए, तो देखो ए का स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी का स्क्वायर, और थ्री का स्क्वायर कितना होता है 9,
यहाँ पर भी करना है, तो a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, और b का कितना 25, ठीक है। अब ये सारी वैल्यूज़ इधर लेकर आ जाइए इस तरफ, तो देखिए यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर जो ऐड हो रहा है उसको ऐड भी करते रहेंगे, ये ऐड नहीं हो रहा है, प्लस y का स्क्वायर माइनस 20 माइनस 2y, ठीक है। अब देखो इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड किया जा सकता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 50। अब जब आप इनको वैल्यूज़ को इधर लेकर आओगे ना, ठीक है, तो क्या होगा, ये आ जाएगी माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, प्लस का 6x, और यहाँ पर आ जाएगा आपका कितना। या फिर आप एक और भी काम कर सकते हो, देखो कॉन्स्टेंट्स को इधर रख, वेरिएबल्स को इधर ले आइए, कॉन्स्टेंट को उधर लेकर जाइए, या फिर छोड़ो कन्फ्यूज जाओगे, भाई सारी वैल्यूज़ को इधर रखा, सॉल्व कर लिया, बाकी सारी वैल्यूज़ को इधर लेकर आ रहे, तो देखो ये माइनस का था, प्लस का था, इधर जाकर माइनस, ये माइनस का था, इधर आकर प्लस, ये, और ये देखो जब आप ऐड करोगे आंसर आएगा 34, ठीक है, 34 उधर प्लस का, इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस का, ये प्लस का इस तरफ आकर माइनस का, ये माइनस का इस तरफ आकर प्लस का, ठीक है, और वहाँ पे क्या रह गया, ज़ीरो। अब देखो ऐसा करने से हुआ क्या, ये एक्स स्क्वायर प्लस का है, ये एक्स स्क्वायर माइनस का, कट्टम कुट्टी, ये भी कैंसिल आउट हो गया, बस अब तो बहुत ईजी हो गया। तो अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, तो देखो 14 और ये देखो ये है माइनस का और ये है प्लस का, ठीक है, तो दोनों को जब आप सॉल्व करोगे यू विल गेट व्हाट, माइनस का 8x, और जब आप y और y की वैल्यू को सॉल्व करोगे यू विल गेट प्लस का 8y, और जब आप 50 में से 34 माइनस करेंगे यू विल गेट प्लस का 16, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों वैल्यूज़ को आप उस तरफ लेकर जा सकते हो, तो 16 इज इक्वल्स टू कितना, 8x माइनस 8y, देखो ये माइनस का था उस तरफ जाकर प्लस, ये प्लस का इस तरफ जाकर माइनस। अब देखो 8 आप यहाँ से कॉमन भी ले सकते हो, तो 8 अगर आप कॉमन ले लो तो यहाँ बचेगा x माइनस y, ठीक है। अब 8 मल्टीप्लाई हो रहा है उस तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 इज इक्वल्स टू x माइनस y, या फिर इसको घुमाकर लिखोगे तो x माइनस y इज इक्वल्स टू 2। तो जब भी वो पूछेंगे आपसे रिलेशनशिप, तो आपको यही प्रोसेस करनी है, और आंसर आपका x और y का नहीं आएगा, आपका कुछ ऐसे आएगा एडिशन में या फिर सब्ट्रैक्शन में, ठीक है। तो ये है आपकी रिलेशनशिप, मतलब कि जब भी आप x में से y माइनस करोगे आंसर आपका हमेशा कितना आएगा, 2 आएगा, ये इसकी रिलेशन है, ठीक है। आई होप के समझ में आ गया होगा, ये नोट कीजिए, देखते हैं अपना एग्जाम्पल नंबर 5, नोट इट डाउन। तो आइए देखते हैं अपना एग्जाम्पल नंबर 5, जो कि हमारे इस इंट्रोडक्शन वीडियो का लास्ट एग्जाम्पल भी है। तो देखिए, रीड कीजिए एक बार, फाइंड अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स ए 6.5 एंड बी -4.3। तो एक कोई पॉइंट है जो ए और बी से इक्वल डिस्टेंसेस पर है, इसका मतलब यहाँ पर भी क्या होगा, ए सी इज इक्वल्स टू बी सी। बट अभी इससे जो पहले आपने एग्जांपल किया बिल्कुल डिट्टो वही है, लेकिन एक चीज़ उन्होंने बोल दी कि ये वाला जो कोऑर्डिनेट है ना वो वाई एक्सिस पर है, और जब बेटा वाई एक्सिस पर होता है ना तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाती है, 0, ठीक है। तो इसका जो कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएगा, 0.y, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, वही अपना डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना, भाई ए सी इज इक्वल्स टू बी सी, और बाकी जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया बिल्कुल डिट्टो वही कर दीजिए। तो यहाँ पर भी लगाओगे और यहाँ पर भी लगाओगे, रीज़न आपको पता है कि साथ में क्यों लगाना है। तो देखो जरा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यहाँ पर भी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो 0 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, एंड y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, देखिए स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए -6 का जब आप स्क्वायर करेंगे 36, यहाँ पर देखिए a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लग रही है, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, यहाँ पर भी वही करना है भाई। देखो यहाँ पर 0 का तो कोई मतलब है ही नहीं, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, यहाँ पर देखिए a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी आ रही है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सॉरी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, वेरिएबल्स को इधर ले आइए, ठीक है,
और या फिर वेरिएबल्स को उधर ले आइए और कांस्टेंट को इधर, ठीक है। तो देखिए मैंने क्या किया, कांस्टेंट्स को एक तरफ कर दिया, इन दोनों को ऐड करोगे तो आंसर कितना आ रहा है आपका 1 and 6, 61। और देखिए इन दोनों को जब आप ऐड करोगे आंसर कितना आ रहा है, चलो पहले सॉल्व कर लेते हैं, एकदम ज़्यादा स्पीड से कराऊंगा तो दिक्कत ना हो जाए आपको। इन दोनों को ऐड करोगे कितना आ जाएगा 25 प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 6y, ठीक है। अब देखिए इन वेरिएबल्स को उस तरफ लेकर जाइए और इसको इधर लेकर आ जाइए, तो 61 माइनस 25, ठीक है, और वाई स्क्वायर माइनस 6y तो था ही, ये उधर लेकर जाओगे तो ये माइनस का वाई स्क्वायर और ये प्लस का 10y, ठीक है। ये देखो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर तो कट ही गया, ठीक है। और इन दोनों को सॉल्व करोगे 11 में से 5 जाएगा कितना 6 एंड 5 में से ये जाएगा तो 36। इन दोनों को ज़रा सॉल्व कीजिए, इन दोनों को सॉल्व करोगे यू विल गेट 4y, ठीक है। तो 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, मतलब के 36 over 4, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। और उन्होंने हमसे क्या पूछा है, उन्होंने हमसे पूछा है फाइंड द पॉइंट। तो देखिए पॉइंट तो है 0, 0, y और y की वैल्यू कितनी आई है 9। तो ये है आपका क्या पॉइंट जो आपसे वो पूछना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये था आपका एग्जांपल नंबर 5। इसी के साथ हमारे इंट्रोडक्शन वीडियो के और एक्सरसाइज 7.1 से जितने भी पहले के एग्जांपल्स थे वो सारे कवर हो चुके हैं। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आ रहा है, वीडियोस अच्छी लग रही हैं, तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। तो और अगर वीडियो समझ में आ रही हैं तो वीडियोज़ को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। टिल देन टेक केयर।